वेरी बैड दोस्तों एक होता है बैड फिल्म्स दूसरा होता है वर्स्ट फिल्म्स और तीसरा होता है फिल्म लाइक हेलो चार्ली अब ये कौन से कैटेगरी में आता है यार मुझे नहीं मालूम और ये प्रोड्यूसर लोग क्या सोच के ऐसे स्क्रिप्ट को ग्रीन लाइट करता है गॉड नोज यार एंड इन दिस केस द प्रोड्यूसर इज एक्सेल यानी फरान अख्तर क्या फरहान अख्तर ने आग पे पट्टी बांधकर और कान में कापूस डालकर ये फिल्म को अप्रूव किया था स्क्रिप्ट को अप्रूव किया था यार एक टाइम पे एक्सेल कंटेंट बनाता था यार लेकिन आज के तारीख में एक्सेल से ज्यादा अच्छा तो सर्फ एक्सेल का एड है यार दाग अच्छे ऐसे हम कह सकते हैं ये एक्सेल जो दाग बना रहा है उसको देख के हम कैसे कहे अच्छे है हाउ इट्स यार एंड रिटिकुल याद आया रिटिकुलस इज द गोरिला इन दिस फिल्म आप गोरिला को ठीक से देखना आपको वीराना फिल्म का भूत याद आ जाएगा वहां का भूत को भाड़े पे लेकर आया ऐसा लगता है और कॉस्ट्यूम क्या है वो गुरिला का इट्स नीड सर्फ एक्सेल टू क्लीन दैट कॉस्ट्यूम यार हॉलीवुड को देखो हॉलीवुड बना रहा है और हम बना रहे हैं हेलो चार्ली का पोंग क्या लॉजिक था वो गुरिला वाले सीन्स में दो सीन्स विच आर सपोज टू तो बी सो कॉल्ड फनी इट्स नॉट एट ऑल फनी नॉट इवन अ सिंगल सीन इन द एंटायर फिल्म मेड मी लाफ और लॉजिक नाम का चीज ही नहीं है फिल्म में यार गोरिला अभी गोरिला बैठा है आदर जैन के वो ट्रक में नाउ दैट गोरिला इज जैकी श्रॉफ बट आदर जैन जेन नो और आदर जैन क्या कुछ करवा रहा है गोरिला से गोरिला को बोल रहा है ट्रक का टायर बदल चल ठीक है यार गोरिला ट्रक का टायर बदल रहा है उसके बाद गोरिला साइकिल चला रहा है चलो ये भी ठीक है अब गोरिला को बोलता है ट्रक को धक्का मारन गोरिला धक्का मार रहा है, है? लॉजिक का क्या हो गया यार वॉट हैपन टू लॉजिक द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म यार पूरा प्रिय दर्शन का कोई कॉमेडी फिल्म का क्लाइमैक्स उठा है मतलब सारे के सारे लोग एकजुट एक इकट्ठा एक एक हो जाते हैं छत के नीचे और एक्शन करते हैं एटलीस्ट प्रिय दर्शन की फिल्म में कॉमेडी तो होता है लिटरली तो वेस्टेड यार ये जो फिल्म का डायरेक्टर है पंकज सारस्वत मैं उनको बहुत साल पहले बहुत साल नहीं मेरे को थोड़े कुछ साल पहले महबूब स्टूडियो में मिला था जब वो ये फिल्म का शूटिंग कर रहे थे और मुझे नहीं मालूम था ये फिल्म का शूटिंग कर रहे हो एंड ही इज ऑल्सो द सेम एक्टर हु प्लेड द पुलिस इंस्पेक्टर इन क्रिमिनल जस्टिस बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था उसमें तो जब मैं उनको महबूब में मिला मैं उनको पूछा सर आप क्या कर रहे हो तो उन्होंने कहा मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूं तो मैंने उनको पूछा सर कौन सा फिल्म है तो बोला आई एम सॉरी आई के नॉट से फिर मैंने पुछ, उनको पूछा अच्छा सर फिल्म में कौन है तो बोला आई एम सॉरी आई के नॉट रिवील फाइनली मैंने पूछा सर एटलीस्ट कुछ तो बताओ सब्जेक्ट क्या टॉपिक क्या तो बोला आई एम सॉरी आई के नॉट से एनीथिंग एट ऑल एटलीस्ट तभी कुछ तो बताते मुझे तो आज के तारीख में ऑडियंस वूडेंट फेल्ट सॉरी मैं उनको बोलता है यार कि ये सीन्स में मजा नहीं है देर इज नो एंटरटेनमेंट बट एनीवेज सारे के सारे फिल्म मेकर्स अपने दून में फिल्म बनाना चाहते हैं बनाओ यार बना के ऐसा आप दिखाते हो ना ये दिखाते हो प्रोडक्ट एंड रिजल्ट सब्सक्राइबर्स को आप ये देते हो और एक्टिंग यार पूरे फिल्म में आदर जीन ने सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर का मिमिक्री किया है बैड मेमिक्री ऑफ रणबीर कपूर द वे इज टॉकिंग एवरी थिंग एज रणबीर कपूर रिटर्न रणबीर कपूर प्लास्टर्ड प्लास्टर्ड एंड पेस्टेड रणबीर का फेस मास्क लगा देते हैं गोरिला के साथ रणबीर भी हमें मिलता है देखने के लिए और वो जो नई लड़की को लॉन्च किया श्लोका उनका क्या रोल है यार उनको एक आइटम नंबर जैसे आप इंट्रोडक्शन देते हो वॉट इज दिग्निफिकेंस गॉड नोस जैकी श्रॉफ सच अर ब्रिलियंट एक्टर वेस्टेड राजपाल यादव वेस्टेड और कॉन है ओनली वन हु मॉडरेटली डीसेंट बट अदरवाइज दिस फिल्म इज अ फेल्ड एंटरप्राइज वेस्ट ऑफ स्क्रीन स्पेस टाइम मनी एफर्ट एवरीथिंग आई एम गोइंग विद आर्यभास फेवरेट नंबर जीरो माई रेटिंग आपका क्या लिखकर पता ना बाय बाय